राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश अनुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रभात कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में दिनांक 12 मार्च 2022 शनिवार को जिले के समस्त न्यायालयों में वृहद स्तर पर इस वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती निहारिका सिंह ने बताया कि देवास मुख्यालय एवं तहसील सोनकच बागली करनोद खातेगांव एवं टोकखुर्द के न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित एवं वाद पूर्व समझौता योग्य आपराधिक सिविल पारिवारिक विवाद घरेलू हिंसा अधिनियम आदि विशेष प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। आगामी 12 मार्च को इस वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन प्रधान जिला न्यायाधीश श्री प्रभात कुमार मिश्रा साहब के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। इस लोक अदालत में सभी प्रकार के मामले जैसे कि हमारे दांडिक मामले, सिविल मामले, चेक अनादरण के मामले, वैवाहिक मामले, घरेलू हिंसा संबंधी मामले, नगर निगम के जल कर विद्युत कर जैसे मामले और हमारे श्रम न्यायालय के मामले प्रमुखता से लिए जाएंगे। इसमें हमारे यहाँ बैंक रिकवरी के, BSNL के, प्री लिटिगेशन के मामले भी शामिल होंगे। तो इसमें विशेष छूट प्रदान की जाएगी। लोगों से मेरा आग्रह है, आह्वान करती हूँ कि इस छूट का लाभ लेते हुए अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत के माध्यम से शीघ्र सस्ता न्याय प्राप्त करें। कितनी लोक अदालत लगेगी इस वर्ष? 4 नेशनल लोक अदालत का आयोजन किए जाने संबंधी पत्र हमें प्राप्त हुआ। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की ये रिपोर्ट।